कुछ साल पहले एयरटेल की एक एडवर्टाइजमेंट आई थी जिसका एक गाना था, बहुत मशहूर हुआ था, और वो था कि हर एक दोस्त कमीना होता है। मैंने ऐसे ही कल एक दोस्त को कॉल किया और उसको बोला कि भाई लास्ट जो मैंने तेरे को नज़म शेयर की, कोई विशेष टिप्पणी उसके ऊपर? इस बंदे का हिंदी के ऊपर बहुत अच्छा हाथ है, तो मैं जानना चाहता था कि अगर कुछ फीडबैक हो ताकि इम्प्रूव किया जाए। तो बोला बिल्कुल, एक बहुत अच्छी फीडबैक देता हूँ तेरे लिए। तो खुद ही बोल रहा है अच्छी है तो सुन लेते हैं। तो बोलता है, देखो हिंदी में बहुत सारे रस होते हैं, तेरी नज़मों में एक चीज़ की मुझे कमी लगी, और वो कमी ये है कि तेरा शक्ल और तेरे बोलने का तरीका जो है वो हास्य है, हाउएवर लेकिन जो तेरी नज़में हैं उनमें एक हास्य रस की कमी है, तो ट्राई करना अगली बार, शायद तुम कुछ कर पाओ। तो उस बात को लेके मैंने ये आज नई नज़म लिखी है, ट्राइंग की एक छोटी सी अटेम्प्ट, पहली अटेम्प्ट रादर, कि कुछ हास्य रस पिरोया जाए अपनी नज़म। तो आज की ये नज़म शुक्रान, थैंक यू। ओए दड़ियल, थर्ड बटन देख। सीनियर चिल्लाते थे लाइन में हम जब चलते थे। पंजाब से जब मैं आरईसी जमशेदपुर गया तो मेरे बहुत बड़ी दाढ़ी थी, तो नहीं मालूम था रैगिंग क्या होती है, तो दाढ़ी लेके ही हम कॉलेज पहुंच गए। अब पहुंचे क्या, शुरू से ही बस सब लोग दड़ियल बुलाने लगे क्योंकि इतने बाल थे मुंह पे। और दूसरा, हमारे कॉलेज में रादर हर कॉलेज की अपनी अपनी एक स्टाइल होता है तो रैगिंग का, तो कुछ पोर्शन मेरी ये नज़म का उसके ऊपर है। ओए दड़ियल, थर्ड बटन देख। सीनियर चिल्लाते थे लाइन बना के जब हम चलते थे। मुंडी उठाएं, थर्ड बटन ऐसे दिखाया जाता था ताकि आपका जो सर है वो नीचे झुका रहे। तो मुंडी उठाएं तो लाइन से बाहर कर, हसरतों की रसीद गालों पे चिपक जाती थी। इतनी मार पड़ती थी अगर गलती से गलती हो जाए, हंस दें या तो कुछ भी कर दें, तो लाइन से अलग करके कुछ हसरतें गालों पे चिपक जाती थी। ओए दड़ियल, थर्ड बटन देख। सीनियर चिल्लाते थे लाइन बना के जब हम चलते थे। मुंडी उठाएं तो लाइन से बाहर कर, हसरतों की रसीद गालों पे चिपक जाती थी। कभी अबैंडन ड्रम पे खड़े होकर के काऊ काऊ किए हैं, तो कभी रेल का डब्बा हाईजैक करके केले भी बेचे हैं। दोस्त ढूंढे बड़े दिल से मैंने, तो दोस्त ढूंढे बड़े दिल से, पर साला सीनियर्स ने सरहदों को फाइलमबाजी का नाम दे दिया। हर कॉलेज का एक अपना तरीका होता है रैगिंग का और उनके कल्चर होते हैं। हमारे कॉलेज का एक यूनिक सा कल्चर था जिसमें आपको स्टेट्स के हिसाब से डिवाइड कर दिया जाता था और उसको एक वर्ड दिया गया था, फाइलम, कि आप नॉर्थ फाइलम से हैं, साउथ फाइलम से हैं, वगैरह वगैरह। वो कभी अच्छा नहीं लगा, आज भी नहीं लगता है। तो कभी अबैंडन ड्रम पे खड़े होके काऊ काऊ किए हैं, तो कभी रेल का डब्बा हाईजैक कर केले बेचे। दोस्त ढूंढे बड़े दिल से, पर साला सीनियर्स ने सरहदों को फाइलमबाजी का नाम दे दिया। जो कल फाइलमबाजी में डूबे थे, आज उनमें से कुछ धर्म के बंटवारे में भी लगे हैं। शायद ये एक लॉजिकल नेक्स्ट स्टेप था, जिनको ये अच्छा लगा उनको अब आगे बढ़ना भी तो है ना, हर किसी को बढ़ना है, बट हमें क्या, राइट? अब कॉलेज के हिसाब से अगर बोलें तो अपनी धुन में हम कहेंगे, भाड़ में गई दुनिया, हम बजाएं हारमोनिया। कभी रात के 2 बजे, वही सीनियर्स, कभी रात के 2 बजे हमें हॉकी खिलाया करते थे, तो कभी अगर सीनियर से बगावत कर लिए तो हम खून के अंडरवियर सुखाया करते थे। खैर ढीठ तो हम पैदा होते ही हो गए थे, अब ना वो बदले और हम, खैर कहां बदलने वाले थे। नॉर्थ वालों के शोशे हमें कभी जमे नहीं। खुद मैं पंजाब से हूं लेकिन मुझे ये कभी भी नॉर्थ का जो यूनिक कल्चर है जिसमें शोशे करते हैं लोग, दिखावा करते हैं, वो कभी जमा नहीं, आज भी नहीं अच्छा लगता है। तो नॉर्थ वालों के शोशे कभी जमे नहीं। बिहार वाले ग्रुप ऑफ 6 थे, कभी डरे नहीं, मार खाए पर साइनेड आई भी बचाए, पुलिया पे धरना दिए पर पुलिस नहीं। बहुत घूमा हूं बिहार में, तो अगला सेक्शन उस मेरे घूमने के ऊपर भी।
कंकड़बाग, बेतिया, रक्सौल, बीरगंज, मैगी ट्रेन, टांगा और बस, कांडरा घमरिया लोकल मिनी, या कहें कॉलेज का लाल डब्बा, बिष्टुपुर मांगो क्या, घूमे दीघा, कैलकटा और पुरी। तो ये सब एरियाज बिहार और उसके सराउंडिंग है। कंकड़बाग, बेतिया, रक्सौल, बीरगंज, मैगी ट्रेन, टांगा और बस, कांडरा घमरिया लोकल मिनी, या कहें कॉलेज का लाल डब्बा, बिष्टुपुर मांगो क्या, घूमे हैं दीघा, कैलकटा और पुरी। दारू वो पीते थे, मैं दारू नहीं पीता हूं तो, लेकिन मेरे सारे दोस्त जो गैंग ऑफ हम सिक्स थे, पांच, वो दारू जरूर पीते थे। दारू वो पीते थे और चखना हम समाप्त करते थे, स्कूटर वो लाते थे और लौंडिया हम घुमाते थे, कभी पंजाबी, कभी सरदार, तो कभी ओए चिंकी सुनेदर कहलाते थे। रिटर्न के लिए पेपर का जुगाड़ ट्रैवल किए सब स्टेट्स अराउंड बिहार। कैंपस इंटरव्यू में पेंट का जिप खुला रह गया, नौकरी जरूर मिली लेकिन किस्सा बन गया। बात सालों ना हो इन दोस्तों के साथ लेकिन जब मिले तो वही पुराना गाली गलौज। दारू में टल्ली होके किस्से यही सुनाते हैं। बर्थडे, होली, दिवाली कॉल जरूर आते हैं, बट एक ही गम है, रीयूनियन के बस हम सिर्फ सपने ही सजाते हैं। कुछ दिन पहले हम लोग जूम पे मिले थे, तो जूम पे देखा इनको, इन सालों को फिर से जूम पे देखा कुछ दिन पहले, सब गंजे हो गए हैं, गंजेपन को छुपाने के ना जाने कितने इंतजाम कर रहे हैं, कुछ बढ़ाए हुए बालों को आधा इधर और आधा उधर कर रहे हैं। बट जिंदगी का मूल मंत्र है अरे गच रहो, लोड नहीं लेने का, बस कमीने अमीगोस को गाली भरा शुक्रान देने का। थैंक यू, शुक्रिया।